खबर रायपुर ले निकल के सामने आ रही है, जहां बीजेपी है जारी करी से प्रत्याशी मन के पहली सूची। मामलों पर मंत्री अमरजीत भगत के बयान सामने आगे से वो कही से कि बीजेपी है सिर्फ औपचारिकता पूरा करी से, एकर ले कांग्रेस ला कोई चुनौती नहीं है। विजय बघेल ला पाटन ले टिकट दे ऊपर बोले मंत्री अमरजीत भगत, ओला पाटन ले लड़ा के अस्तित्व खतरा में डाल दी। बड़े खबर बता रहा था अपन ला रायपुर ले। छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी, 21 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। इस वक्त खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं ये जो सूची आई है, पहली सूची समय से काफी पहले आ गई, ऐसा माना जा रहा है आप लोगों के ऊपर बढ़त बनाने की भी बात कही जा रही है, आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, हर पार्टी अपना अपना रणनीति बनाती है, लेकिन मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर चूक कर गई है। इतने दिन तक जिसको भी वो कैंडिडेट घोषित करी है उसका आत्मा जानेगा कि अब डेली सबके यहाँ भीड़ लगेगी, वो कैसे खींचेगा इतना। और जिसने भी किया वो, मैं सोचता हूँ कि वो अनमैच्योर्ड था, नहीं तो इतना लंबा किसी को नहीं तय किया जाता है। पिछली बार हमने देखा था कि अजीत जोगी जी की पार्टी जोगी कांग्रेस का लिस्ट ऐसे ही जारी हुआ था बहुत पहले, और चुनाव आते आते आधे लोग जो है वो फुस कर गए थे। तो इसमें भी मैं सोचता हूं कि केवल एक औपचारिकता निभाया गया है, एक कांग्रेस के लिए कहीं से भी चुनौती नहीं है। लेकिन मंत्री जी, कर्नाटक में तो आप लोगों ने भी ऐसे ही किया था, कर्नाटक में कांग्रेस ने कई जो सीटें हैं वहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पहले कर दिया था। नहीं, आपको शायद याद नहीं होगा, इशारा कर दिया गया था, घोषणा नहीं किया गया था, और यहाँ तो सूची जारी कर दी है ना, तो अब तो रोज लोगों का अब खर्चा बढ़ेगा। अब बेचारे, और आदिवासी सीटों में ज़्यादातर किए हैं ये लोग, कितने चालाक लोग हैं कि आदिवासियों के लोग जमीन बेचवा देंगे। पाटन में भी देख लीजिए जिसको दिया है विजय बघेल जी को, तो मुख्यमंत्री जी के सामने कहाँ, वो मुख्यमंत्री कभी चुनाव थोड़े ना हारते। काका के सामने भतीजे को तो उतारा है? नहीं नहीं, काका तो काका है, काका इस समय जिंदा है, काका का स्टार जो है ना बहुत इस समय हाई चल रहा है, तो उसके सामने उसको खड़ा करके उसका अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। वैसे ही है उत्तर सरगुजा का भी। कहीं ना कहीं ये जो सूची जारी की गई है ये औपचारिकता है, इससे कोई चुनौती नहीं है कांग्रेस के लिए, ये कहते हुए मंत्री अमरजीत भगत नजर आते हैं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।